भारत को गर्व से भर देने वाली ये तस्वीरें मुंबई की हैं। यहाँ पर देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत पहुंचा है। समुद्र की अथाह लहरों के बीच भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत का रूप मुंबई हार्बर पर पहली बार दुनिया के सामने उजागर किया है। इसके साथ ही भारत ने जल, थल और आकाश में अपनी घेराबंदी भी मजबूत कर ली है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कर भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तकनीक और क्षमता है। पहले सिर्फ अमेरिका, फ्रांस, यूके, रूस और चीन के पास ही ये तकनीक थी। INS विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के बाद से भारत की ताकत में तो इजाफा हुआ ही है, तो वहीं दूसरी तरफ दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन की परेशानियां भी बड़ी होंगी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जब नजदीक से भारत की सामरिक ताकत और आत्मनिर्भर भारत को देखा तो इससे चीन को एक साफ संदेश दिया गया कि क्वाड देशों के रिश्ते सामरिक तौर पर कितने मजबूत हो रहे हैं। हालांकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन वह यूके से लिए हेलीकॉप्टर कैरियर इस्तेमाल कर रहा है। अगर भविष्य में ऑस्ट्रेलिया किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नौसेना में शामिल करने का प्लान बनाता है तो स्वदेशी INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे मुफीद हो सकता है। INS विक्रांत भारत देश का दूसरा ऐसा जहाज है जो समुद्र में दुश्मन के खिलाफ सीधी टक्कर लेने में सक्षम है। 1997 में पहले INS विक्रांत के रिटायर होने के बाद नौसेना ने विक्रांत का नया वर्जन लॉन्च किया है जो पहले वाले विक्रांत से भी ज्यादा ताकतवर और आधुनिक है। 20,000 करोड़ की लागत से तैयार हुए INS विक्रांत का कुल वजन करीब 45,000 टन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका हैंगर एरिया है जो कि 22 मीटर चौड़ा और 182 मीटर लंबा है। 14 डेक वाले इस जलपोत में करीब 22 एयरक्राफ्ट और नौसेना के हेलीकॉप्टर पार्क किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस हैंगर में फायर बैरियर जैसी आधुनिक तकनीक भी है जो आग लगने की स्थिति में हैंगर को दो हिस्सों में बांट देगी ताकि आग पूरे हैंगर में ना फैले। INS विक्रांत की कुल केबल बिछाने की लंबाई 2400 किलोमीटर है जो कोची और दिल्ली के बीच की दूरी के बराबर है। विमान वाहक पोत के 2300 डिब्बों में 1700 नाविकों के लिए जगह है, साथ ही महिला अधिकारियों के लिए भी विशेष केबिन है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर MiG-21K और तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को कठिन से कठिन परिस्थितियों में उतारने और टेक ऑफ करने का ट्रायल किया जा चुका है। इस युद्धपोत पर 36 एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर को तैनात किया जा सकता है, साथ ही इस पर कमोव और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं और भविष्य में राफेल लड़ाकू विमान भी तैनात करने की योजना बनाई गई है।